नमस्कार, जय दुर्गा। मैं उदेव और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल रॉय द वेटरन वंडरर। और आज हम जा रहे हैं खारघर का इस्कन टेम्पल। इसको थोड़ा देख, एक माला लेना है इनसे। माला लेके करता हूँ। 10 ना? वो क्या है अंकल? क्या मेरा है? अच्छा, बच्चों का क्वेरी रहता है ना, इसको थोड़ा सो माला में ले लेता हूँ बच्चों से, अच्छा रहता है। चलो कुछ तो कर रहे हैं। एनीवे, आज हम जा रहे हैं खारघर का इस्कॉन टेम्पल। 2 साल से ऊपर हो गया हम जा नहीं पाए। काफ़ी बार सोचे जाएंगे करके पर जा नहीं पाए, तो आज प्लान बनी जा रहे हैं। कुछ खास काम से भी जा रहे हैं, कुछ लेके आएंगे वहाँ से आपको बताएंगे। और हमारा साथ में है कृष्णा जी। ये है कृष्णा जी, तो वो इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए हैं। तो हम जा रहे हैं और बाकी चीज़ हम आपको जाके बताएंगे, जाके दिखाएंगे भी कि कैसा है मंदिर, सब कुछ बताएंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं मंदिर में। दिख रहा था इसका टेम्पल अभी थोड़ा पेड़ मेन, इसका जो एंट्रेंस है इस तरफ, उस तरफ बनने के बाद। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर का तरफ, इस्कॉन का टेम्पल। और ये है कृष्ण जी, आपका परिचय करा देता हूँ कृष्णा जी का साथ। ये कृष्ण जी इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं और हमारा एक समाज सेवा कार्यक्रम जो है उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। साथ में बेटी है और तो ये पार्किंग का थोड़ा है, यहाँ पे लंबा दूरी में पार्किंग किया। अभी चल के जाएंगे, ऐसे संडे है फिर भी थोड़ा कमी है आज, तो भीड़ ऐसा लग रहा है। ये गेट से अंदर आए और यहाँ पे ये मंदिर दिख रहा है। काफ़ी सारे लोग लेकर आ रहे हैं चीज, आज कुछ इवेंट है ऐसा लग रहा है। मंदिर में पहली बार आया, ये ऊपर मंदिर। हम जाएंगे अंदर, पहले रखेंगे जूता यहाँ पर। यहाँ पे जूता रखने का जगह है। 159 नेरूना ने रखा, तो हम 159 में रखेंगे। अंदर जाएंगे, यहाँ से फुटवेयर नहीं चलते हैं, तो हमने पहले ही जूता उधर रख दिया है। ये शॉप तुलसी का माला बहुत फेवरेट है, यहाँ पे बहुत मिलते हैं। और जब के लिए बैग, अभी काम चल रहा है, मंदिर पूरा बना नहीं है, जो भी है। इधर कुछ वचन चल रहा है शायद मेरे ख्याल से, यस प्रवचन। ये मेन मंदिर बन रहा है, ये इसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये चल रहा है। फरवरी में कंप्लीशन है और इनॉग्रेशन है, 2024 फरवरी। इनका मंदिर बहुत सुंदर बनता है, बहुत खर्चा करके बनाता है। दुनिया में सबसे रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इस्कॉन। अभी यहाँ पे गीता पाठ चल रहा है और इसी का अंदर जो अभी मूर्ति रखा हुआ है राधा कृष्ण जी का, वो इसका अंदर रखा हुआ है, ये वाला मंदिर का अंदर। बाद में इसको मेन मंदिर जो बन रहा है वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। तो अभी यहाँ पे गीता पाठ चल रहा है। ये उनका एक्चुअल मंदिर का जो पूरा नक्शा है वो है, एक्चुअल जो मंदिर पूरा बनेगा उसके बाद ऐसा बनेगा। इधर से आए हम लोग, ये जो बड़ा वाला हॉल है उसका अंदर जो बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा था, इसका कॉम्प्लीशन डेट फरवरी 2024, मतलब नेक्स्ट ईयर फरवरी में कंप्लीट हो जाएंगे। ये इसका बड़ा हॉल है जहाँ पे मूर्ति बैठेंगे और जो वहाँ पे चल रहा था रामायण पाठ वगैरह वो सब यहाँ पे होगा। बहुत बड़ा हॉल है ये। अभी जाते हैं आगे,
ये स्नैक काउंटर रहेगा, जो अभी गोविंदा बाहर देखा ना आपने, वो तो बंद हो जाएगा। हाँ हाँ, तो वो छोटा गोविंदा यहाँ चलेगा। अच्छा, और जो मेन रेस्टोरेंट है, हाँ ये आपका मायापुर में भी ऐसे ही है। मैं मायापुर गया उधर रह क्या है उधर, ये आयुर्वेदिक सेंटर खुला है। अच्छा, ये इसका इनोग्रेशन था, हेमा मालिनी जी उसी के लिए आए थे। अच्छा, हेमा मालिनी तो मेन नहीं है, उसे ऊपर जो अशोक, हाँ ये सब बहुत सारे लोग हैं। ये जो दिया है इन्होंने, इनका नाम यहाँ लिखा होगा, मणि जी करके है। अच्छा हाँ, वी एस एस मणि इज द डोनर। अच्छा, भक्ति वेदांत आयुर्वेदिक हीलिंग सेंटर। आप अंदर क्या ये भक्ति वेदांत आयुर्वेदिक हीलिंग सेंटर है। इसका इनॉग्रेशन हुआ है और ये जिम भी है, ये सब चीज़ों का इनॉग्रेशन हुआ है। ये जिम है, ये जिम का भी इनॉग्रेशन हुआ है, इसी के लिए सारे आए थे। हरे कृष्ण जी। ये योगा के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है योगा सेंटर। हीलिंग सेंटर और नाड़ी चेकअप, स्पा और शिरोधारा और योगा और हेल्थ फिटनेस जिम, बहुत सारे सुविधाएं यहाँ। आपका नाम बताओ। जगदीश मुकुंददास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूरा फाइव स्टार फैसिलिटी है, हम देखिए फुल फाइव स्टार फैसिलिटी है। लॉकर्स, वेंटिलेटर का जगह, वॉशरूम्स, फाइव ग्रेट एलिमेंट्स। रूट चक्र, मूलाधार, थर्ड आई चक्र, अजना, सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुरा, थ्रोट चक्र, विशुद्ध, आकाशा मैसेज सेंटर, एंट्रेंस लॉबी। इधर से एंट्री हुआ एक्चुअली, ये अभी बंद है। बहुत अच्छा एंट्रेंस लॉबी बना है। ये इनका मेन गेट रहेगा और मैं थोड़ा मुड़ जाता हूँ इस तरफ, इधर से एंट्री होके इस तरफ जाएंगे और इधर से ये एंट्री होगा। इनॉग्रेशन के लिए सब सजाया था, आपको मैंने अंदर दिखाया। ये गोविंदा रेस्टोरेंट है। अच्छा, ये गोविंदा रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट बन गया ना? हाँ, चालू, ओपन हो चुका है। ओपन हो गया मतलब अभी सब अंदर बॉडी से नहीं खुला है, लेकिन सब कुछ रेडी है। Okay. ये जो एंट्रेंस है, ओ सुपर, ये मेन एंट्रेंस होगा ना? ये मेन एंट्रेंस है। ये जो गार्डन है, गार्डन के सब तरफ आप देख रहे हैं, ये
छोटे छोटे जो स्मारक जैसे बनाया हुआ है, हाँ, इसमें सब आठ संत का जो विग्रह भी स्थापित है। अच्छा, उनका अंदर, उसका अंदर, हाँ, रामानुजाचार्य, रामानंद, राम, वो जो बने हैं गार्डन का चारों कॉर्नर में स्मारक जैसा, उसके अंदर आठ संत का मूर्ति लगा है। तीन लोगों को इनवाइट करना, मैंने इनसे बात किया है। और ये है मेन एंट्रेंस, ये मेन एंट्रेंस है। ये पूरा मंदिर ऐसे बनेगा, बहुत बड़ा है, आप अगर देखते हैं बहुत ही बड़ा है ये। जब मेन बनेगा तो बहुत ही बड़ा बनेगा। इस्कॉन का होता है ऐसे, बहुत बड़ा बड़ा चीज़ बनाते हैं। मायापुर भी इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। और ये देखिए इनका गार्डन, ये पूरा कंपाउंड आप देखेंगे, नहीं पूरा, ये पूरा इनका है। बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा मंदिर। 19, 20, 21 इनका प्रोग्राम्स है प्रांत, उससे पहले 22 या 23 तारीख को इनका प्राण प्रतिष्ठा होगा फरवरी का। सारे लोग आएंगे बड़े बड़े, कोशिश करेंगे हम भी उस टाइम पर अगर आ सकते हैं तो। ये कारीगर काम कर रहे हैं, बहुत बारीकी से फिनिशिंग चल रहा है। अभी अंदर और जा नहीं सकते हैं। पत्थरों के ऊपर नक्शा किया जा रहा है, घिस घिस के करते हैं। ये देखिए इधर हो सकते हैं कुछ वाटर बॉडीज आएंगे, पानी, और इसके अंदर मूर्ति आएंगे। यही वो बोल रहे थे कि सभी संतों का मूर्ति बनेंगे इसके ऊपर, इसके अंदर ये जगह बना हुआ है तो काफ़ी बड़ा बना है एक्चुअली, ह्यूज। और ये नक्शे देखिए, नक्काशी, ये जो किया है ना मंदिर के एंट्रेंस पे, ये जब बन के तैयार हो जाएंगे इसके ऊपर फाइनल पॉलिशिंग हो जाएगा। ये देखिए अंदर, बहुत ही अच्छा। ये मेन मंदिर वो सामने से नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं थोड़ा घूम के इस तरफ से आ गया। और अभी जो है वो इधर है, नीचे से मोस्ट प्रॉब्ली दिखाई दे देगा। वो दूर है ना, उधर है वो जो पुराने वाला है, वो है। हम अभी इस तरफ आ गए मंदिर के, एक पूरी चारों तरफ एक चक्कर मार के देखने के लिए कि कैसा बन रहा है। ह्यूज ह्यूज ह्यूज, ये जो काला काला दिखे थे सब पॉलिश होकर ठीक हो जाएगा, सब पॉलिश हो जाएगा। ये सारे पूरा वाइट स्टोन है, मार्बल, मार्बल स्टोन है। बहुत ही अच्छा सॉलिड, बहुत सॉलिड बन रहा होगा। ये बीच का, ये जो सेंटर हॉल बनेगा ये सेंटर हॉल है, और उधर लगेगा मूर्ति। उन लोगों को नीचे खड़ा करके आ गया मैं, अभी चलते हैं उनका पास। पॉलिशिंग चल रहा है, ये भोग के लिए लाइन है, ये जो राइट साइड में है इसके अंदर है। सारा भक्ति में प्रसाद खाना भी है, भक्ति तो लोग भक्ति कर रहे हैं, लाइन तोड़ के आए ना तो बड़े भक्त हैं। अभी लाइन पे पहुंचा और वहाँ पे हो रहे डिस्ट्रीब्यूशन। और उधर दिख रहा है नहीं, और उधर है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दो लाइनें अलग अलग, एक लेडीज़ का और इधर एक जेंट्स का। लेडीज़ का काउंटर अलग है और जेंट्स का काउंटर अलग इधर। ये है जो मिला, अच्छा है, काफ़ी अच्छा, बहुत सारे आइटम, दाल है, चावल है, और ये कैबेज है, और ये पूरी है, और साथ में हलवा है, बहुत अच्छा है। ये सारे इधर नियम है, थाला अपने आप धो और जो चीज़ खाना है उसको धोना है और इधर रखना है।
तैयारी चल रहा है। अच्छा, ये इनका किचन है पर पूरा अंधेरा है, अभी अंधेरा है ना, लाइट जल सकता है एक थोड़ा। ये इनका किचन है, अब देखिए कितना बड़ा किचन है, यहीं पे बनता है सारे खाना। जो कम से कम मेरे को लग रहा है आज तो कम से कम कितना लोग थे आज, 700 लोग होंगे खाना, कितना लोगों ने खाया आज, 700 लोग, आज हजार लोग, हजार लोगों का खाना, ये हजार लोगों का खाना था जो इसी किचन में बने, यही किचन है, ओवन है, सब कुछ है। और ये अंदर डिश वॉशिंग प्लेस, ये देखिए कितना बड़ा हांडी है। मैं स्पेशल परमिशन लेके आया, मैं बोला थोड़ा आपका किचन में जा दूँ, थोड़ा गंदा हो रखा है क्योंकि अभी साफ़ सफाई हुआ नहीं है। ये देखिए सब्जी यहीं से जा रहा है, सो बहुत अच्छा है। ये है चार बॉक्स गीता, करीब 100 पीस गीता है, भगवत गीता, तो ये हमें लेके जाना है और हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेके जा रहे हैं। तो अभी गाड़ी लेके आता हूँ और ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाड़ी में उठा के लेके जाएंगे। तो दोस्तों और मेरे व्यूअर्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। मैंने जो नया मंदिर बन रहा है इस्कॉन का खारघर में, उसका पूरा दिखाने का कोशिश किया है। जो अभी का स्थिति है, 19 फरवरी 2024 तक फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा सबके लिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सारे न्यू वीडियोस के इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, टेक केयर, बाय।